महाराजा बीर बिक्रम को जानने में इतना देर क्यों लोगों को लगा, इसमें किसका कमी आपको दिखाई दे रहा है? अभी असल में बहुत लंबी कहानी है। जब तक त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट किंगडम था तो ये 1947 में, जैसे कि आपको पता है कि जब विभाजन हुआ तो त्रिपुरा का जो साइज है, त्रिपुरा इतना छोटा नहीं था। 600 स्क्वायर माइल्स या 1300 किलोमीटर त्रिपुरा का जो लैंड है वो बांग्लादेश, वो टाइम पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो सब पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद में त्रिपुरा में इतना क्राइसिस हुआ, बहुत कारण है। और जितने लोग यहाँ पर आए उसके बाद में, शुरू में इतना ख़राब नहीं था, जो लोग आए वो लोग ने शेल्टर भी लिया, कुछ लोग चले भी गए। और उसके बाद में जो जो सरकार आए उस समय में, बोलने में सबको पता है कौन सा सरकार राज में था, वोट बैंक्स के लिए वो लोग ने क्या किया, त्रिपुरा का जो हिस्ट्री है राजाओं का अगेंस्ट में इतना कुछ बोला कि त्रिपुरा के महाराजाओं और त्रिपुरा के लोग को पूरा डिवाइड कर दिया, ताकि ये पूरा जो हिस्ट्री है इसको ही चेंज कर ले। तो ये मतलब ऐसा बहुत साल तक चलते गया। 2008 में भी वो सरकार था, हमको बहुत प्रोग्राम्स नहीं करने दिए, हमको मुश्किल से एक दो हमने प्रोग्राम्स किया, वो भी वो लोग ने उसमें बाधा डाला। तो हमने लास्ट में क्या किया, अपने ही पैलेस में हमने फर्स्ट प्रोग्राम महाराजा का बर्थडे में हमने किया। फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स होने लगे, हिम्मत भी आ गया लोगों के अंदर में, अपना रियल शक्ति जो है वो उनको पहचान में आया। पर इसके पहले कारण यही था, गवर्नमेंट्स डिड नॉट वॉन्ट आर पीपल टू प्रोग्रेस एंड फॉर द पीपल टू रिस्पेक्ट देयर किंग्स। That is the actual reason why there was a deterioration and lack of knowledge. ये भी आपको जान के एक शॉक होगा कि पहले करिकुलम में था त्रिपुरा का हिस्ट्री, ये बंद किया गया। तो नाउ इन द TTAADC एरिया इंटैक अलॉन्ग विद द TTAADC एंड अदर पीपल, वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग आउट अ करिकुलम इन कोंकोरम इन हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 5 टू क्लास 8, which will be taught here, it will be an experiment, यहाँ पे start होने वाला है, so we are working on that also, and it's almost complete. जी, इस तरह होने से तो और भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तक आपने जितना कोशिश किया उसके बाद कितना परसेंटेज को लोगों को ये महाराजा को समझ गया होगा, कितने परसेंटेज बाकी रह गए हैं आपकी नज़र में? अभी भी जैसे कि सिटी में है कुछ लोगों को पता है, पर विलेज एरियाज़ में इतना लोग जानते हैं महाराजा बीर बिक्रम को, क्योंकि सेलिब्रेशंस हो रहा है, तो एटलीस्ट 60-70% लोगों को पता है। और अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये पता नहीं है, तो हम लोग को उनको भी रीच करना है, और ख़ास करके हमारे यूथ को। यंगस्टर्स नाउडेज आर टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़, तो ये अपने मतलब इट्स ऑल राइट, इट्स गुड टू बी मॉडर्न, बट अपना कल्चर, अपना पास्ट, अपना हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विदाउट योर पास्ट, विदाउट योर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, यू आर अ नोबडी। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अगर कोई पूछता है आपका त्रिपुरा का हिस्ट्री क्या है, और आप सोशल मीडिया में रील्स बनाने से उससे आपका पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगा। आपको अपने बारे में जानना चाहिए, अपने हिस्ट्री के बारे में, नॉट ओनली महाराजा बीर बिक्रम बट ऑल द रूलर्स हुआ देयर, नॉट ओनली द रूलर्स, ऑल्सो ऑल द पीपल हु सेक्रीफाइज देयर लाइफ्स फॉर त्रिपुरा, इंक्लूडिंग आर मिलिट्री, इंक्लूडिंग ऑल द अदर पीपल हु वर्क फॉर त्रिपुरा। तो ये ऐसे कार्यक्रम करने से हमको लगता है वी कैन रीच आउट टू ऑल ऑफ देम। आपका मतलब है गांव में लोग थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हैं और टाउन में मतलब सिटी में लोग कम समझ हो रहे हैं? कम है, फ्यू पॉकेट्स में है, गांव में रिस्पेक्ट है, बट तो महाराजा बीर बिक्रम बट अदर किंग्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारा ये है कि आई थिंक कि कुछ आगे जाके कोई इंटेलेक्चुअल सेमिनार, प्रोसीडिंग, वर्कशॉप भी होना चाहिए और किताब भी होना चाहिए। और ये कॉकबोरक में इसीलिए हमने किताब निकाला, ये पहली बार हमने प्रयास किया है कि आगे जाके अदर पीपल ऑल्सो, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग। जी, गांव के लोगों को अनएजुकेटेड थोड़ा समझ लोग का समझ है, लेकिन वो सिटी में लोग क्यों इसको पहचानने में ऐसा हो रहा है कि टाउन के लोग, सिटी के लोग में क्यों ऐसा प्रसार नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, टाउन में लोग का लाइफ ऐसा है कि इट्स अ बिजी लाइफ एंड इट इज मतलब पूरा मीडिया एंड पॉलिटिकली माइंडेड वो टाइप के लोग ज़्यादा हैं, उनको टाइम नहीं है ये सब के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और वैसे भी सिटी में जो लोग हैं अभी वो लोग का मतलब सिर्फ फ्यू पीपल आर देयर जो ओल्डर जनरेशन के वो रिस्पेक्ट त्रिपुरा हिस्ट्री, यंगर जनरेशन के पास में टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो आई वुड लाइक
देम टू ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू लर्न अ लिटल मोर. हमारे वहाँ पे जो उजैंता पैलेस में स्टेट म्यूजियम है, वहाँ पे जितना पुराना पेंटिंग्स है वो सब लेट महाराजा किरण विक्रम ने दिया था. और हमने जो भी सीखा है, आई लर्न इट थ्रू माई फादर लेट महाराजा किरण विक्रम. महाराजा किरण विक्रम लर्न फ्रॉम हिज फादर महाराजा वीर विक्रम. इसीलिए तो ये नॉलेज है, क्योंकि महाराजा किरण विक्रम ने बचा के रखा था. अगर हमको इंटरेस्ट था तो हमने वो ग्रास्प किया. आई वॉज ऑल्सो यंग होने से और टाउन में रहने से ये मतलब नहीं होता कि आपको इज्जत नहीं करना अपना हिस्ट्री और कल्चर में. हमको तो और भी इज्जत, हमको तो और भी प्राइड फीलिंग हुआ, हमारा प्राउड फीलिंग लगा कि हमारा हिस्ट्री ऐसा है. तो इसीलिए आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस नॉलेज विद एवरीबॉडी. आजकल जो जो सरकार चला रहे हैं वो बोल रहा है कि महाराजा वीर विक्रम की बर्थ एनिवर्सरी में वो एक दिन के लिए छुट्टी दिया है, वो मूर्ति भी बनाया है, बहुत प्रचार हो रहा है, ऐसा बोल रहा है. आपको क्या लगता है, सरकार का काम अच्छे हो रहा है? देखिए, एक तरफ से हम भी थैंक करेंगे अभी का जो सरकार है कि हाँ, वो लोग ने ज़रूर ट्राई किया है महाराजा वीर विक्रम के नाम से जो एयरपोर्ट में स्टैचू बिठाने का. हम लोग ने प्रयास किया था बहुत सालों से, अभी का बात नहीं है ये. 1964 में लेट महाराजा किरण विक्रम ने ट्राई किया था महाराजा वीर विक्रम के नाम में ये जो एयरपोर्ट को नेम करना चाहिए. और सिर्फ ये एक एयरपोर्ट नहीं, 6 एयरपोर्ट्स था यहाँ त्रिपुरा में, बहुत कम लोग जानते हैं. तो जो भी है, अगरतला का एयरपोर्ट का नाम ये एक्चुअली प्रपोज किया था महाराजा किरण विक्रम ने. बहुत साल लगा, फिर उसके बाद में रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑल्सो इग्नोर किया. नेचुरली नॉर्थ ईस्ट में कोई इतना ध्यान नहीं देता था. तो इन वन वे वी आर लकी कि हाँ, कुछ किया है गवर्नमेंट ने, पर फिर भी बहुत कुछ बाकी है. आई बिलीव दैट, बिकॉज सिर्फ मोन्यूमेंट्स या स्टैचूज बिठाने से सब कुछ नहीं होता है. उसके पीछे कौन, किसने ये किया है, एक्चुअल पर्सन, उसके बारे में भी और बताना चाहिए लोगों को. क्योंकि कल के दिन क्या होता है, हम लोग का जो फेस्टिवल्स है ना, ये वन डे शो हो जाता है. स्टेट हॉलीडे किया, ये अच्छी बात है, आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग. इस दिन और भी मतलब इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होना चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए एग्जिबिट्स रखा है, लोगों को और इंटरेक्शन करके एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, महाराजा के बारे में जानना चाहिए. ऐसा एक इन्वायरमेंट पैदा करना है, नॉट जस्ट सेरेमनीज. गार्लैंड लगाया, एंड ऑफ द स्टोरी. केक काटा, खत्म, ये नहीं. एंड थ्रू आउट द ईयर हम लोग को महाराजा के बारे में हम लोग इतना बोलते हैं, पर क्या रिस्पेक्ट उसके बाद में. आपने जाके क्रिमेशन ग्राउंड का अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, आपने हालत देखा है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, नॉट ओनली महाराजा वीर विक्रम, बाकी महाराजाओं का भी तो वहाँ पे है. तो उनका उसका क्या हालत है, मच्छी का बाजार था वहाँ पे, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है. जब हमको जाना पड़ता है वहाँ पे महाराजा के समाधि में वो लगाने के लिए, माला देने के लिए, तो 2-3 दिन पहले बोलना पड़ता है वो सफाई करो म्यूनिसिपल को, ये जगह ठीक करो. ये क्या बोलने का बात है? अगर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं किसी को, वो दिल से आना चाहिए. वी शुड ऑलवेज मेंटेन दैट, यू नो, वी शुड ऑलवेज ऑनर दैट पर्सन. तो ये क्या है कि प्रोग्राम का पहले थोड़ा बहुत ठीक कर दिया. सो महाराजा वीर विक्रम इज देयर टू इंस्पायर अस, दैट इज व्हाट आई शोड इन द एग्जीबिशन एंड ऑल्सो इन द प्रोग्राम. लास्ट क्वेश्चन है, जो आजकल क्या बोल रहे हैं, त्रिपुरा से बाहर, त्रिपुरा के बाहर आपने आपका इंटेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या प्रोग्राम रखा है, मतलब कैसे उसको जानने के लिए प्रचार कर रहा है? इंटेक ने एक्चुअली, इंटेक इज फुल फॉर्म में इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. तो इसका बहुत बड़ा फील्ड है. उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स छोड़ के, जिसमें सेमिनार्स प्रोसीडिंग्स होता है, वो हमने काफ़ी किया है त्रिपुरा में. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट, यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, म्यूजियम में हुआ है, टू डिवेलप द म्यूजियम, फिर विथ वेरियस अदर बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन. उसको छोड़ के दिल्ली में हमने त्रिपुरा का एक एग्जीबिशन रखा था अबाउट 4 ईयर्स अगो इन IIC, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, फॉर 14 डेज. त्रिपुरा का पूरा इतिहास एंड ज्योग्राफी एवरीथिंग हमने वहाँ पे पोर्ट्रे किया. तो ऐसे टाइप का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं. फिर डाइंग लैंग्वेजेस के ऊपर में भी कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ से लोगों को भेजा वहाँ पे, ताकि वो लोग त्रिपुरा के बारे में भी बोल सकें. तो ऐसा बहुत कुछ है. वन डे यू हैव द टाइम, आई विल शो यू द एंटायर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. और टेम्पल्स रेस्टोरेशन है, ओल्ड मोन्यूमेंट्स है, बहुत कुछ है गांव में, तो हमको पता ही नहीं है. अनदर फील्ड इज ट्राइबल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म. तो टूरिज्म भी एक फील्ड है इंटैक्ट में, वेयर यू कैन यूज़ कल्चरल टूरिज्म. मतलब हमारा कल्चर को देखने का लोग बाहर से आए, तो ये सब भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं. तो ये भी, दिस इज माई नेक्स्ट टास्क. थैंक यू महाराज. थैंक यू.
बहुत